मिल्लत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मिराज आलम। इस वक्त मौजूद हूं लुधियाना के जामा मस्जिद में। इस वक्त मीडिया हाउस में जो बयान चल रहा है और जिस तरीके से मीडिया में खबरें चल रही है कि तबलीगी जमात को बदनाम किया जा रहा है, आपको मैं सीधे तौर पे मौलाना उस्मान रहमानी से बात करवाने की कोशिश करूँगा, जो नायब शाही इमाम पंजाब है। मेरे साथ अभी जुड़ेंगे नायब शाही इमाम पंजाब जी। क्या मीडिया हाउस में खबरें चल रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। कोरोना वायरस को लेकर पूरी दुनिया में सतर्कता बरती जा रही है, सिर्फ भारत में ही नहीं। पिछले 10-15 दिन से कोरोना वायरस शटडाउन के बाद जितनी तेज़ी से लोगों के आगे रोज़ दो वक्त की रोटी की समस्या आई है, उस समस्या को छुपाने के लिए अब मरकज़ का नाम लेकर जो नेशनल स्ट्रीम मीडिया है वो कोरोना वायरस को धर्म का नाम देना चाहता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या जिन लोगों को पहले कोरोना हुआ है पिछले 15 दिन में, क्या जिन धर्म और जातियों से उनका संबंध है, कि आप उन सबको कसूरवार ठहरा सकते हैं कोरोना के लिए? अगर वो कसूरवार नहीं है तो ये भी कसूरवार कैसे हो सकते हैं? कोरोना एक बीमारी है, किसी को भी लग सकती है। हाँ, इसमें सतर्कता बरतनी हर एक पंथ और हर एक धर्म के लोगों का फ़र्ज़ बनता है। मैं ये कहना चाहता हूँ पूरे भारत के लोगों को कि ये समय एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाने का नहीं है, बल्कि कोरोना महामारी से अपने देश को बचाने का समय है। इसलिए हमें नफ़रत फैलाने की बजाय एक दूसरे का साथ देते हुए इस बीमारी का मुकाबला करना चाहिए। आपने एक चिट्ठी देखा होगा सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जो निज़ामुद्दीन थाने को दी गई थी कि हमारे पास इतने लोग फंसे हुए हैं यहाँ पर, उसको निकालने के लिए कोई पास दिया जाए या कोई सिस्टम दिया जाए, तो आखिर सीधे तौर पे जिम्मेदार कौन है इसका? वो SDM के पल्ले झाड़ रहे हैं। ऐसा है कि मोदी जी ने कहा कि मैं आज आपको कह रहा हूँ कि कोरोना से बचने के लिए जो जहाँ है वहीं रुक जाए। अब जो लोग जहाँ थे वहीं रुक गए हैं, तो ये कह रहे हैं कि नहीं रुके नहीं हैं, छिप गए हैं। तो ये सिर्फ नेशनल स्ट्रीम मीडिया जो है वो अपने हिसाब से कोरोना को चलाना चल रहा है, वरना पूरा देश इस महामारी का डटकर मुकाबला कर रहा है। और बाकी विकसित देशों के मुकाबले में हमारे देश में कोरोना के मरीज़ कम हैं, और पंजाब को अगर आप देखें, लोगों की सतर्कता के चलते हुए दूसरे सूबों से कम मरीज़ हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि नेशनल स्ट्रीम मीडिया इसको धर्म का चश्मा पहनाने की बजाय सतर्कता लोगों को सिखाए तो वो अच्छी बात होगी। जो लोग विदेशों से आए हैं यहाँ पर, NRI जो भी हैं, उसका मैं समझता हूँ कि अभी तक 50% का भी टेस्ट नहीं हो पाया है, और सिर्फ सारा ठीकरा जो है जमात वालों पे फोड़ना चाहती है, तबलीग पे फोड़ना चाहती है सरकार। सरकार चाहती क्या है? कि सरकार नाकाम है और तबलीगी जमात को बदनाम करना चाहती है क्या? कैसे? देखिए, तबलीगी जमात आज से नहीं चल रही, वो कई 100 साल से लगातार सेवा करती हुई आ रही है, और आलमी दुनिया से, पूरी दुनिया से लोग निज़ामुद्दीन आते हैं, स्पेशल किसी एक दिन नहीं आते, रोज़ाना ही मैं समझता हूँ कई हज़ार लोग अलग अलग विश्व के देशों से निज़ामुद्दीन तबलीगी जमात के मरकज़ में पहुँचते हैं। तो सरकार को चाहिए कि वो किसी एक धर्म या पंथ पर इसका इल्ज़ाम लगाने के बजाय लोगों को सतर्क करे, और जो सतर्कता को लेकर जो चीज़ें बरतनी चाहिए उसमें भी हम सब लोगों को, चाहे वो किसी भी धर्म के मानने वाले हैं, उनको उसका पालन करना होगा। आपको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि प्रधानमंत्री जो है एक्शन लेट लिए हैं? जो कोरोना का एक्शन है, जो एयरपोर्टें सील की गई है, वो बहुत लेट हो चुका था और बहुत देर हो चुकी थी। ये काम अगर पहले हो जाता, जो गृहमंत्री द्वारा या जो भी द्वारा अगर पहले कर दिया जाता, तो क्या इसको रोका जा सकता था? कैसे भाई, कोरोना के सतर्क होने का पैगाम तो आज से एक महीना पहले आ गया था। कोरोना को नज़रअंदाज करके तो ट्रंप का 1 लाख लोगों का प्रोग्राम प्रधानमंत्री जी ने करवाया, उस वक्त भी पूरी दुनिया कोरोना संकट के अंदर घिर चुकी थी और मक्के मदीने में बैरिकेडिंग भी हो चुकी थी। तो ये मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री जी ने जो भी ऐलान किए हैं बिना सोचे समझे, बिना प्लानिंग के ऐलान है। अगर ये किसी योजनाबद्ध तरीके से होते तो आज ये नौबत ना आती थी। जी शुक्रिया आम साहब। आप सीधे तौर पर देख सकते हैं, अगर शाह इमाम साहब का कहना है कि अगर पहले इस पर एक्शन लिया जाता और पहले एयरपोर्ट सील की जाती तो इस तरीके का मसला को रोका जा सकता और थोड़े पर हम सीमित रह सकते थे। सीधे तौर पर पूरी तरीके से जो है जमात को बदनाम किया जा रहा है। आप मिल्लत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मजामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।